राजस्थान में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में आई है। भाजपा सत्ता में तो आई है, लेकिन अब पूरे राजस्थान में चर्चा है कि बीजेपी की ओर से अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। कई नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, लगातार इससे पहले भी जब राजस्थान में चुनाव नहीं हुए थे और जब चुनाव की तैयारियां चल रही थी, आचार संहिता लगी थी, चुनाव हुए, तो इस दौरान लोगों के मन में एक सवाल था कि यदि सत्ता में बीजेपी आती है तो फिर राजस्थान की कमान या बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा। इसको लेकर सभी लोगों के जो मत थे वो अलग अलग थे। देखिए, पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम जो था लगातार चर्चाओं में चल रहा था। माना जा रहा था कि अहम जिम्मेदारी चुनाव के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मिलने वाली है, और जब रिजल्ट आने वाले थे तो हमने देखा था कि देव दर्शन के साथ उन्होंने जो है अलग अलग स्थानों पर वसुंधरा राजे पहुंची थी। मोती डूंगरी की बात करें, मेहंदीपुर बालाजी की बात करें, तो वहां उन्होंने देव दर्शन किया था, और माना जाता है कोई भी बड़ा काम करने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देव दर्शन करती है। और कल उन्होंने जब बीजेपी की प्रचंड जीत राजस्थान में हुई तो उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके भी बताया कि आखिर क्या कारण रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उन्होंने वहां पर दिया, कि उनकी जो योजनाएं थी वो चुनावी सभाओं को जो संबोधित करने राजस्थान पहुंचे थे। तो उसके बाद भी राजस्थान की जो हवा है बिल्कुल बदल गई थी, कांग्रेस से जनता त्रस्त हो चुकी थी। तो ऐसे में जो सत्ता है बीजेपी को वापस जनता ने यहाँ पर दी है। देखिए, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, दिया कुमारी हो, अश्विनी वैष्णव हो, ओम माथुर हो, इसके अलावा बाबा बालकनाथ हो, तो ये सभी कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अब राजस्थान से दिल्ली की दौड़ है, वो लगातार बीजेपी के स्थानीय बड़े नेता हैं, वो लगातार लगा रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र भी आज शुरू हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां जीत की बधाई, अपने एक भाषण में जीत की बधाई भी यहाँ पर दी और बताया कि किस तरह से वे तीन राज्यों के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं। लेकिन अब जो सीपी जोशी हैं, प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, क्योंकि शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, तो अब जो सांसद थे राजस्थान के वो वहाँ पहुँच चुके हैं। निश्चित तौर पर वहाँ चर्चा होगी किसका नाम फाइनल किया जाए, और बीजेपी के जो आला कमान के जो नेता हैं, जिनमें कहें तो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह है, जेपी नड्डा है, राजनाथ सिंह है, ये तमाम बड़े नेता हैं, इनको उनके साथ कुछ जो चर्चाएं हैं वो स्थानीय नेता यहाँ पर करेंगे। लेकिन कुछ अगर नामों पर हम यहाँ पर फिलहाल बात करें तो सबसे पहला नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। देखिए, 2003 और 2013 में दो बार उन्होंने राजस्थान की सत्ता को संभाला है, और एक बार कयास फिर से इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि वो सत्ता में बीजेपी सत्ता में आई है तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और लगातार वो एक्टिव भी दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर दूसरे बड़े नाम की यहाँ पर बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो लगातार पूरे 5 साल राजस्थान के अंदर एक्टिव रहे, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन चुनाव जब राजस्थान के अंदर अभी भाजपा ने जब लड़ा तो उसकी कमान उनके हाथों में थी। किस तरह से टिकट वितरण करना है, किस तरह चुनावी तैयारियां हैं, सभी तरह का जायजा वो लेते हुए यहाँ पर नजर आए। तीसरे अगर बड़े नाम की यहाँ पे बात की जाए तो बाबा बालकनाथ है। देखिए, सनातन धर्म का जो मुद्दा था राजस्थान में छाया रहा, और उसी के बाद जो एक लहर थी राजस्थान में बदली, भले ही कांग्रेस से अपनी योजनाओं और अपनी गारंटियों के दम पर सत्ता वापसी करना चाहती थी, लेकिन बीजेपी का मुद्दा सनातन था, तो ऐसे में सनातन के मुद्दे के बाद बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, और बाबा बालकनाथ को जोड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, कि शायद उनको राजस्थान की कमान सौंपी जा सकती है बाबा बालकनाथ को, क्योंकि ऐसा ही कुछ समीकरण उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिले थे, और सनातन धर्म की बात करते हुए वो नजर आते हैं। और अभी हाल ही में जो विधायक जब वो अभी बने हैं तो उनका एक वीडियो भी सामने आया था, तो उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जो दुश्मन है राजस्थान के, जो बदमाश है, गुंडे हैं, वो अब सीमा छोड़ दे राजस्थान की, इस तरह का एक बयान भी उनका सामने आया है। दिया कुमारी की अगर हम बात करते हैं तो राजघराने से दिया कुमारी यहाँ आती है, और पहले ही जो लिस्ट थी
जब चुनाव को लेकर जब बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई थी तो उनका नाम उसमें था, और एक बहुत सेफ सीट से उनको यहाँ पर विद्याधर नगर की जो सेफ सीट है वहां से दिया कुमारी को उतारा गया था। तो ऐसे में राज परिवार का एक बड़ा चेहरा है, दिल्ली के जो बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, चाहे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, उनसे अच्छी ट्यूनिंग इनकी मानी जाती है हमेशा से, और समय समय पर इनसे वार्तालाप के लिए या चर्चा के विभिन्न मुद्दों से जुड़े जो चर्चाएं हैं वो भी करने के लिए दिल्ली पहुंचती है। तो ऐसे में जो दिया कुमारी है ये एक नाम भी बड़ा सामने निकल के आ रहा है। अश्विनी वैष्णव की अगर हम बात करते हैं तो केंद्र में मंत्री है अश्विनी वैष्णव, और लगातार राजस्थान में कुछ पिछले कुछ सालों से एक्टिव है। रेलवे से जुड़ा अगर कोई भी छोटा या बड़ा प्रोजेक्ट होता था या कोई भी कोई उद्घाटन होता था, किसी भी तरह का उद्घाटन, तो हमेशा जयपुर वो नजर आए हैं। जयपुर के अलावा अन्य जो राजस्थान के स्थान है जहाँ बड़ा रेलवे नेटवर्क है या फिर बड़े जंक्शन है, वहां पर हमेशा अश्विनी वैष्णव जो है दिखाई दिए हैं, और खुद को राजस्थानी होने का दावा भी वो लगातार करते आए हैं यहाँ पर। और बीजेपी के जो आला कमान है उनके एक पसंदीदा नेता भी अश्विनी वैष्णव माने जाते हैं। अगर एक बात करें अन्य नेता की तो ओम माथुर का नाम भी जैसे ही बीजेपी ने चुनाव जीता तो सोशल मीडिया पर ओम माथुर को लेकर काफी चर्चाएं चलने लगी। हालांकि इन चुनावों के अंदर ओम माथुर कहीं नजर नहीं आए, लेकिन एक नाम उनका जिस तरह से लगातार यहाँ पर चल रहा है तो वो भी काफी चर्चाओं में है। ओम बिरला का नाम भी लेकर कोटा से जो ओम बिरला है, और अभी जो बड़ा पद उन्हें दिल्ली के अंदर मिला हुआ है, तो ओम बिरला के नाम पर भी लगातार जो कयास है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि शायद ओम बिरला को यहाँ पर लाया जाए और जो राजस्थान की कमान है ओम बिरला को वो यहाँ पर सौंपी जाए। सांसद वो यहाँ से हैं और लगातार कोटा अपने गृह क्षेत्र के अंदर आते रहते हैं, लोगों से मिलना उनका, लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो ऐसे में माना जा रहा था कि वो भी एक नाम राजस्थान के अंदर हो सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी लगातार चर्चाओं में राजस्थान के अंदर है। किरोड़ी लाल मीणा देखिए पिछले 5 साल में एक सशक्त नेता के रूप में किरोड़ी लाल मीणा उभर के सामने आए हैं। समय समय पर विपक्ष को घेरने का काम किरोड़ी लाल मीणा ने यहाँ पर किया था, और जो अलग अलग घोटाले थे उनको लेकर उन्होंने अपने बयान भी दिए थे, धरने प्रदर्शन भी उन्होंने दिए थे, और हाल ही में जो गणपति प्लाजा के अंदर जो लॉकर्स थे उनमें बेनामी संपत्ति का भी दावा उन्होंने किया था, और उन लॉकर्स ने करोड़ों रुपए उगले थे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक मजबूत नाम है किरोड़ी लाल मीणा, तो उनको भी यहाँ पर लाया जा सकता है। लेकिन देखिए ये सारे समीकरण राजस्थान के अंदर बन रहे हैं, तय बीजेपी के आला कमान के नेताओं को करना है कि आखिर नरेंद्र मोदी की पसंद कौन है, अमित शाह की पसंद कौन है, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के उनकी पसंद कौन है। चर्चा यहाँ पर जरूर की जाएगी, अलग अलग लोगों से, अलग अलग जो स्थानीय नेता है उनसे बात की जाएगी, लेकिन माना जा सकता है कि एक ओबीसी बहुत बड़ा वर्ग है राजस्थान के अंदर, तो ओबीसी के अंदर से एक सीएम यहाँ पर निकल के आ सकता है। देखिए सोशल मीडिया पे चर्चाएं हैं कि जो बाबा बालकनाथ है उनके नाम पे लगभग फाइनल जो है मोहर लग चुकी है, और कुछ ही समय के अंदर जो उनका नाम है राजस्थान के एज ए राजस्थान का जो सीएम है उसके तौर पर यहाँ पर सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल तो अभी ये तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन सीएम की कमान संभालेगा, कौन नहीं संभालेगा, ये सारे जो कयास है फिलहाल लगाए जा रहे हैं। हालांकि विधायक जो है, जो जीत के जो विधायक आए हैं 115 जो विधायक है बीजेपी के, उनसे भी जरूर यहाँ पर चर्चा की जाएगी और उनसे भी यहाँ पर अपनी पसंद जरूर मांगी जाएगी, लेकिन जो अंतिम मोहर है वो दिल्ली से राजस्थान के सीएम के नाम पर लगेगी। द नगरी न्यूज में फिलहाल इतना ही, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, नमस्कार।